Good morning, students. Today we are in a new topic, that is bar graph. Graph. मैंने आप मेरा first video में आपको दिखाया था कौन सी graph book लेनी है, ठीक है? तो पहले हम bar graph क्या है वो देख लेते हैं. ये topic भी मैंने explain किया था, लेकिन थोड़ा और detail में अच्छे से हम करेंगे. तो bar graph की definition है, while representing the given data by a bar graph, bars of uniform width are drawn horizontally or vertically. जो bars हम draw करते हैं, या तो हम इसे horizontally draw कर सकते हैं, या तो उसे vertically draw कर सकते हैं. Vertically मतलब straight, और horizontally आपको slant में draw करना, मतलब with equal spacing between them and length of each bar represent the given number. तो इसे हम और प्रैक्टिकली देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो दैट आई विल शो इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, नाउ ड्राइंग अ बार ग्राफ में आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं. व्हेन यू आर ड्रॉ अ बार ग्राफ, एट दैट टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड सम थिंग्स, दैट इज रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. आपका जो फॉर्मेशन जो है वो टेबुलर फॉर्म में होना जरूरी है. जो भी डाटा आप रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि ग्राफ आपके पास जो होगा, ग्राफ बुक, उसमें एक साइड ग्राफ होगा और दूसरे साइड में लाइंस, सिंगल लाइंस होगी. उसमें आपको टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाना है कि ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है इस तरह से. देन नेक्स्ट इज ड्रॉ द एक्सएक्सिस. एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा हमेशा, और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन होगी. तो वो भी मैं आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ पेपर में आपको मैं शो ऑफ करूँगी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एक ग्राफ जो है वो आप अच्छे से समझ जाओगे तो यू कैन डू ऑल द सम्स ऑफ 9.3. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. नाउ थर्ड पॉइंट इज यूजुअली क्वांटिटेटिव. नाउ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन वाई एक्सिस. तो यहाँ पे इसमें हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस. एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जहाँ पे वाई और एक्स जो इंटरसेक्शन होता है, एंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड अ ओरिजिन. जो हम उसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है. नाउ अ सुटेबल स्केल इज सिलेक्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अलोंग विद वाई एक्सिस. और जब हम वाई एक्सिस का जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम हर एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए स्केल डिसाइड करते हैं. वो जो राउंड में ही होता है, राउंड फिगर में ही होता है, ठीक है. तो वो हम प्रैक्टिकली करेंगे, तभी आपको यू गेट द मोर आइडिया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इक्वली स्पेस बार ऑफ यूनिफॉर्म ब्रेथ आर ड्रोन ऑन एक्सेसिस टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी कि आपको एक्स एक्सिस पे जो भी आप बार्स ड्रो करते हो उसकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और इक्वल स्पेस यू टू मेंटेन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाइट ऑफ ईच बार शोज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी आपका जो भी बार आप ड्रॉ करोगे उसकी जो भी हाइट्स होगी, वो हाइट जो है वो क्या दिखाएगा, शोज करेगा द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज कन्वीनियंट टू ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर, यूनिट्स आर ऑलरेडी मार्क्ड ऑन इन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्राफ पेपर. ओके, now I hope is that clear. Now we are going to take a new thing, that is use of bar graph. हम किस तरह से करेंगे. Bar graph are used to representing birth date, death rate, temperatures at various places, rainfall at various places, literacy rate, production in industries, results of cricket matches, import and export of goods, education information,
पासिंग परसेंटेज ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन अ स्कूल, तो ये सब चीज़ों के लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ। तो दीज आर द यूजेस ऑफ बार ग्राफ। आपको पता होना चाहिए हम ग्राफ में बार ग्राफ जो है ग्राफ बुक में हम क्यों ड्रॉ करते हैं, किसके लिए ड्रॉ करते हैं, दैट ऑल थिंग्स। ओके, नाउ हियर वी कम टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।